हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे 10th साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन ऐसा है कि गिव द एग्जांपल्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। तो ऐसे एग्जांपल्स जो बताओ कि जो केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल है। तो हमने क्या लिखा है कि एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर बिलो, मीन्स कि केमिकल रिएक्शन है उसके एग्जांपल हमको नीचे दिए गए। तो पहला एग्जांपल हम देखते हैं, पहला एग्जांपल कौन सा है, तो मिल्क गेट स्पॉइल्ड एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, मीन्स समर में रूम टेम्परेचर पे भी मिल्क स्पॉइल हो जाता है, वो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल, आयरन आर्टिकल्स सच एज आयरन पैन नेल व्हेन एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एयर गेट कोरोडेड। उसका मीनिंग क्या होता है कि ऐसे आयरन आर्टिकल जैसे कि आयरन पैन हो गया, नेल हो गया, जिसके ऊपर आयरन लगा रहता है, उस पर क्या होता है, ह्यूमिड वेदर, ह्यूमिड वेदर मीन्स मानसून में, मानसून में क्या हो जाता है, जब वो आयरन पैन जब एयर के कॉन्टेक्ट में, ह्यूमिड एयर के कॉन्टेक्ट में, जब आयरन पैन ह्यूमिड एयर के कॉन्टेक्ट में आता है, तब वो कोरोडेड मीन्स उसके ऊपर जंग लग जाता है, मीन्स कोरोजन हो जाता है। थर्ड एग्जाम्पल है उसका कुकिंग ऑफ फूड, तीसरा खाना बनाना, वो भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। फोर्थ एग्जाम्पल्स फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, मीन्स ग्रेप्स में भी जो फर्मेंटेशन होता है वो भी किसके एग्जाम्पल है, केमिकल रिएक्शन के। फिफ्थ डाइजेशन ऑफ फूड, मीन्स हमारी फूड की जो मीन्स हमारी पूरी जो डाइजेस्ट सिस्टम है हमारी ह्यूमन बॉडी की, जो हम बायोलॉजी में आगे पढ़ने वाले हैं, वो भी केमिकल रिएक्शंस पे ही डिपेंड करती है। सिक्स रेस्पिरेशन प्रोसेस, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस भी क्या है, वो भी एक टाइप से केमिकल रिएक्शंस का भी एग्जांपल है। ये रेस्पिरेशन प्रोसेस भी हम आगे बायोलॉजी में पढ़ने वाले। फिर से सिक्स एग्जांपल है किसके, केमिकल रिएक्शंस के सिक्स एग्जांपल है। फर्स्ट है मिल्क का स्पॉइल हो जाना, रूम टेम्परेचर पे मिल्क का स्पॉइल हो जाना। दूसरा आयरन के आर्टिकल्स जो होते हैं वो जब ह्यूमिड एयर के कॉन्टेक्ट में आते हैं तब वो कोरोजन, उसमें कोरोजन लग जाता है। थर्ड कुकिंग ऑफ फूड, मीन्स फूड कुक करना। फोर्थ फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। फिफ्थ डाइजेस्ट सिस्टम। सिक्स रेस्पिरेशन, फिर से मिल्क का स्पॉइल हो जाना। फर्स्ट क्या है, मिल्क का स्पॉइल हो जाना। सेकंड आयरन आर्टिकल जो होता है वो ह्यूमिड एयर के कॉन्टेक्ट में आता है तब जंग लग जाता है। थर्ड कुकिंग ऑफ फूड, फोर्थ फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, फिफ्थ डाइजेशन ऑफ फूड, सिक्स रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो ये सिक्स प्रोसेस है जो जिसमें केमिकल रिएक्शंस होता है। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ इज द केमिकल रिएक्शंस रिटर्न, डिस्क्राइब विथ वन एग्जांपल, मीन्स केमिकल रिएक्शन जो प्रोसेस है वो कैसे हम लिख सकते हैं उसके एक एग्जांपल के, एक एग्जांपल के थ्रू उसको बताओ। तो उसमें क्या लिखा है, व्हेन मैग्नेशियम रिबन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट फॉर्म्ड मैग्नेशियम ऑक्साइड। फिर से क्या बोला है, व्हेन मैग्नेशियम रिबन बर्न, तो मैग्नेशियम का एमजी लिखा हुआ है, तो व्हेन मैग्नेशियम रिबन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मीन्स एमजी मीन्स क्या लिखा है, एमजी प्लस O2, तो वो क्या फॉर्म करता है, तो मैग्नेशियम ऑक्साइड, क्या फॉर्म करता है, मैग्नेशियम ऑक्साइड, तो लिखा हुआ है एमजी प्लस O2, वो क्या बनेगा, मैग्नेशियम ऑक्साइड। फिर से व्हेन मैग्नेशियम रिबन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट फॉर्म्ड मैग्नेशियम ऑक्साइड। फिर से व्हेन मैग्नेशियम रिबन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट फॉर्म मैग्नेशियम ऑक्साइड, तो लिखा है मैग्नेशियम रिबन का एमजी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मीन्स O2 प्लस बीच में गिव्स, तो एरो बताया है, तो क्या लिखा है, मैग्नेशियम ऑक्साइड। अब देखो एरो के लेफ्ट साइड में जो है उसको हम बोलेंगे रिएक्टेंस, क्या बोलेंगे, रिएक्टेंस, और एरो के राइट साइड में मीन्स जो प्रोडक्ट निकली उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। तो इन दिस केमिकल रिएक्शंस एमजी एंड O2 आर कॉल्ड रिएक्टेंस एंड एमजीओ इज नोन एज प्रोडक्ट। तो लेफ्ट साइड पे जो है, इन दिस केमिकल रिएक्शन, लेफ्ट साइड पे क्या है, एमजी एंड O2, तो इन दिस केमिकल रिएक्शन एमजी एंड O2 आर कॉल्ड रिएक्टेंस एंड एमजीओ आर कॉल्ड एज प्रोडक्ट। फिर से इन दिस केमिकल रिएक्शंस एमजी एंड O2 कॉल्ड रिएक्टेंस एंड एमजीओ इज नोन एज प्रोडक्ट। रिएक्टेंस आर ऑलवेज लेफ्ट साइड, रिएक्टेंस कहाँ पे, एमजी एंड O2 क्या है, रिएक्टेंस, और रिएक्टेंस एरो के किस साइड पे, लेफ्ट साइड पे, और एमजीओ क्या है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एरो के किस साइड पे, राइट साइड पे। तो फिर से रिएक्टेंस आर ऑलवेज लेफ्ट एंड प्रोडक्ट आर ऑलवेज राइट साइड ऑफ एरो। इफ
मोर देन वन रिएक्टेंस। यहाँ पे देखो एक एमजी और ओटू, यहाँ पे दो रिएक्टेंस हुए, एमजी भी रिएक्टेंस है और ओटू भी रिएक्टेंस है, तो दोनों के बीच में क्या साइन लगा है, प्लस का। तो इफ मोर देन वन रिएक्टेंस एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन रिएक्शन देन प्लस साइन पुट बिटवीन देम। यहाँ पे एमजी और ओटू, उसके बीच में कौन सा साइन है, प्लस का। वैसे अगर एमजीओ के साथ में अगर कुछ और मिलता होता, शायद हमको पानी मिलता होता तो H2 मिलता होता, क्या मिलता, H2 मिलता, तो उसको भी हम प्लस के साथ में ही लिखते। ओके, उसको भी हम किसके साथ में, प्लस के साथ में ही लिखते। फिर से मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करोगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। फिर एरो के जो लेफ्ट साइड में होता है उसको हम रिएक्टेंस बोलते हैं, एरो के राइट साइड में जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। और रिएक्टेंस होता है वो एरो के लेफ्ट साइड में ही रहता है, प्रोडक्ट जो होता है वो एरो के राइट साइड में ही होता है। फिर रिएक्टेंस या तो प्रोडक्ट एक या एक से ज्यादा होगा, एक से ज्यादा होगा तो उन सबके बीच में कौन सी साइन लगाएंगे, हम प्लस की साइन ही लगाएंगे। अब थर्ड क्वेश्चन, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस किसको बोलते हैं, तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस का मीनिंग क्या होता है, तो व्हेन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंसेस एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंसेस मीन्स लेफ्ट वाला एमजी एंड ओटू, तो व्हेन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंस एंड प्रोडक्ट आर नॉट सेम, दैट इक्वेशंस इज अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस। फिर से एमजी और ओटू मीन्स रिएक्टेंस और MgO means product, Mg means magnesium ribbon, O means oxygen, MgO means magnesium oxide। तो जब लेफ्ट साइड पे जो रिएक्टेंस होता है और राइट साइड में जो प्रोडक्ट होता है उसमें जो एटम्स की जो स्ट्रेंथ होती है या तो नंबर ऑफ एटम्स जो होता है वो सेम नहीं होता तो उसको बोलते हैं अनबैलेंस। यहाँ पे देखो Mg1 है तो यहाँ पे भी Mg1 है, यहाँ पे O2 है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मीन्स रिएक्टेंस में O2 है, लेकिन राइट साइड पे देखो O कितना है, वन ही है, तो यहाँ पे O2 यहाँ पे O1 मीन्स नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंस एंड प्रोडक्ट आर सेम नहीं है, क्या है, सेम नहीं है। तो व्हेन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंस एंड प्रोडक्ट्स आर नॉट सेम दैट इक्वेशन इज अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस। Mg प्लस O2 गिव्स MgO इन दिस इक्वेशन, देखो इस इक्वेशन में क्या है, इन दिस इक्वेशंस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एट लेफ्ट साइड मीन्स रिएक्टेंस में नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन लेफ्ट साइड कितना है, टू, एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एट राइट साइड कितना है, वन। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे O कितना हो गया, टू, और यहाँ पे राइट साइड पे O कितना हो गया, वन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की जो स्ट्रेंथ या तो ऑक्सीजन के जो एटम्स होते हैं वो दोनों साइड पे क्या है, अलग अलग है, मीन्स रिएक्टेंस में और प्रोडक्ट्स में ऑक्सीजन की स्ट्रेंथ क्या है, या तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, अलग अलग है। तो ये जो केमिकल इक्वेशंस होता है जिसको हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। व्हाई इज द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस एसेंशियल, स्टेट द इम्पोर्टेंट ऑफ द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, मींस जो केमिकल इक्वेशंस जो होता है उसका जो बैलेंसिंग करना जो रहता है वो एसेंशियल क्यों है, तो उसके बारे में हम पहले पढ़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द मास कन्वर्जेशन लो जो हम आगे साइंस में पढ़ चुके हैं, तो अकॉर्डिंग टू मास कन्वर्जेशन मास कैन नाइदर बी क्रिएट और नॉर बी डिस्ट्रॉय, मीन्स आप मास को प्रोड्यूस मीन्स क्रिएट भी नहीं कर सकते और मास को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। उसका मीनिंग क्या हुआ कि जितना मास रिएक्टेंस में है उतना सभी मास प्रोडक्ट में भी जाना चाहिए। तो इट इज द एसेंशियल दैट नंबर ऑफ एटम्स सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द एरो, सेम ऑन बोथ साइड ऑफ एरो मीन्स एरो में एक साइड जो होता है लेफ्ट साइड उसको बोलते हैं हम रिएक्टेंस और जो राइट साइड होता है जिसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंस में और प्रोडक्ट दोनों में नंबर ऑफ एटम जो होते हैं वो कितना होने चाहिए, सेम होने चाहिए। फिर से व्हाई इज द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस एसेंशियल, तो हम मास कन्वर्जेशन का लो पढ़ चुके हैं, तो मास कन्वर्जेशन का लो में हमने क्या पढ़ा है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, मीन्स मास को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, मास को प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता और मास को हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इट इज एसेंशियल दैट द नंबर ऑफ एटम्स सेम ऑन बोथ साइड ऑफ एरो, तो एरो के बोथ साइड पे जो नंबर ऑफ एटम होते हैं वो कितने होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो लेफ्ट साइड पे क्या होता है रिएक्टेंस और राइट साइड पे क्या होता है प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंस में जो एटम्स होते हैं इतने ही एटम्स किसमें होने चाहिए, प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। अब हम सेकंड क्वेश्चन क्या है कि स्टेट द इम्पोर्टेंट ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, तो इसका जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, तो आप फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंस एंड प्रोडक्ट्स कैन बी नोन वेदर इट इज सॉलिड लिक्विड और गैस। चलो हम एक एग्जांपल के थ्रू पढ़ते हैं इसको, तो Mg प्लस O2 गिव्स MgO, तो जो Mg है वो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, O2 है वो गैस है, तो
किस फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में, और MgO है वो भी अगेन किस फॉर्म में, सॉलिड। तो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंस एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंस मीन्स MgNO2, तो ये सॉलिड फॉर्म में और ये गैस फॉर्म में, और प्रोडक्ट मीन्स MgO वो भी किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। तो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंस एंड प्रोडक्ट कैन बी नोन वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो किसी भी रिएक्टेंस और किसी भी प्रोडक्ट का हम फिजिकल स्टेट हम कह सकते हैं कि वो किस फॉर्म में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है या तो गैस में है। फिर क्वांटिटी या तो मोल्स ऑफ रिएक्टेंस एंड प्रोडक्ट सेम ऑन बोथ साइड ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, हमको ये भी पता है। अभी मास कन्वर्जेशन में ऊपर हमने दिखा ना, हमको पता है वो भी कि मास कन्वर्जेशन में क्या होता है कि लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे जो भी एटम्स जो होते हैं, एरो के लेफ्ट साइड पे और एरो के राइट साइड पे जो होते हैं, वो एटम कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो क्वांटिटी और मोल्स ऑफ रिएक्टेंस एंड प्रोडक्ट सेम ऑन बोथ साइड, उसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। अब हम अगेन हमारे वाला एग्जांपल लेते हैं। तो Mg प्लस O2 गिव्स MgO, तो यहाँ पे Mg का एक मोल है, O2 के दो है, तो यहाँ पे Mg का एक और O का भी एक है, तो यहाँ पे O के दो मोल है, यहाँ पे O का एक मोल है, तो ये इक्वेशन हमारा कैसा हो गया, अनबैलेंस। अब इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करना है तो क्या करेंगे, तो Mg को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, O तो 2 है ही है, और जो पूरा हमको MgO जो मिल रहा है वो MgO को भी हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। तो Mg के आगे भी 2 आ गया, O के आगे भी 2, फिर MgO पूरे पे भी 2 आ गया। देखो रिएक्टेंस में Mg के कितने मोल है, 2, और प्रोडक्ट में कितने हैं Mg के, 2, ऑक्सीजन के कितने मोल है, 2, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन के कितने मोल है, 2 मोल ले लो या तो एटम्स। तो क्वांटिटी और मोल्स ऑफ रिएक्टेंस एंड प्रोडक्ट्स सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। फिर से यहाँ पे Mg का एक एटम है, O के दो है, MgO के, तो Mg का एक है और O का अगेन एक, तो यहाँ पे O के दो, यहाँ पे O का एक, तो ये अनबैलेंस हो गया। अब इसका बैलेंस करना है, तो फिर से देखो Mg को दो से मल्टीप्लाई किया, O तो पहले से 2 था ही, और MgO को भी किससे, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो Mg के दो एटम हो गए, यहाँ पे O के भी दो एटम है और MgO के भी दो एटम हो गए। तो अगेन लेफ्ट साइड पे मीन्स, लेफ्ट साइड मीन्स रिएक्टेंस में Mg 2 हो गया, प्रोडक्ट में भी Mg 2 हो गया, रिएक्टेंस में O भी 2 हो गया और प्रोडक्ट में भी O कितना हो गया, 2 हो गया। तो क्वांटिटी और मोल ऑफ रिएक्टेंस एंड प्रोडक्ट सेम ऑन बोथ साइड ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। अभी देखो यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 1.1, 1.2 और 1.3 जो बुक में दी गई है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। तो ये चार हमने क्वेश्चन पढ़े, पहला क्वेश्चन था केमिकल रिएक्शंस के एग्जाम्पल, दूसरा केमिकल रिएक्शंस कोई भी लिखो उसको सुटेबल एग्जाम्पल्स के थ्रू, वो दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन था कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस कौन सा है, वो तीसरा क्वेश्चन था। और फोर्थ क्वेश्चन हमारा ये है कि बैलेंसिंग करना क्यों एसेंशियल है और उसके इम्पोर्टेंस भी बताओ, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के इम्पोर्टेंस भी बताओ। तो ये दो इम्पोर्टेंस उसके हो गए। वी हैव स्टडीड इम्बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर हमको इम्बैलेंस केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है तो उसको अगर हमको बैलेंस करना है तो बैलेंस करने के स्टेप्स कौन कौन से वो हम आज पढ़ेंगे। तो इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, कौन सा है, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। मीन्स FeH2O क्या हो गया, एरो के लेफ्ट साइड, एरो के लेफ्ट साइड क्या होता है, रिएक्टेंस, क्या होता है, रिएक्टेंस। और Fe3O4 प्लस H2 क्या होता है, एरो के राइट साइड, तो एरो के राइट साइड में क्या होता है, प्रोडक्ट। तो इसके लिए हमने स्टेप पढ़ेंगे, हमको 7 स्टेप पढ़ने हैं, 7। तो 7 स्टेप कौन कौन से है, तो फर्स्ट स्टेप में जो भी हमको इक्वेशन जो दिया है, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन दिया है उसको हम ब्लॉक में लिखेंगे। क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन दिया है उसको ब्लॉक में लिखेंगे। तो ब्लॉक दिखाया, देखो Fe को भी ब्लॉक में डाला है हमने, H2 को भी ब्लॉक में डाला है, Fe3O4 को भी ब्लॉक में और H2 को भी ब्लॉक में। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट पुट ईच फॉर्मूला इन अ बॉक्स। तो जो भी प्रोडक्ट है या तो रिएक्टेंस है उन सबको किसमें डालो, आप ब्लॉक में डालो। सेकंड स्टेप में क्या है, लिस्ट आउट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंस ऑफ प्रोडक्ट। अब देखो लेफ्ट साइड में क्या दिया हुआ है, Fe, लेफ्ट साइड में क्या दिया है, Fe, और राइट साइड में भी क्या दिया है, Fe। तो Fe लेफ्ट साइड में कितना है, 1, और राइट साइड में कितना है, 3। तो लेफ्ट साइड में कितना है, 1, तो Fe लिखा है एलिमेंट नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंस, तो रिएक्टेंस मीन्स लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड में Fe कितना है, 1, राइट साइड पे Fe कितना है, 3, तो यहाँ पे राइट साइड पे हमने Fe लिखा 3। वैसे ही H, लेफ्ट साइड में H कितना है, 2, राइट साइड में H कितना है, 2, लेफ्ट साइड पे O कितना है, 1, राइट साइड पे O कितना है, 4। तो हमने क्या किया, फर्स्ट
जो भी हमारे एलिमेंट्स थे, एफ ई एच एंड ओ, जो भी हमारे एलिमेंट्स थे उसके नंबर लिखे, किसमें, रिएक्टेंस में भी उसके कितने नंबर है और प्रोडक्ट में भी कितने नंबर है, वो लिखा है। देखो एलिमेंट में फर्स्ट लिखा है एफ ई एच एंड ओ, क्या लिखा है, एफ ई एच एंड ओ, तो नंबर ऑफ एटम्स, रिएक्टेंस में कितने हैं, एफ ई वन तो वन लिखा, एच कितना है टू, टू लिखा, ओ कितना है वन तो वन लिखा। वैसे ही प्रोडक्ट राइट साइड पे क्या होता है, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में भी हम नंबर लिखेंगे, तो प्रोडक्ट में एफ ई कितना है थ्री, ओ कितना है फोर, फिर एच कितना है टू, तो टू लिखा। तो वैसे ही सेकंड स्टेप में क्या करेंगे कि रिएक्टेंस और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं वो लिखेंगे। फिर से स्टेप वन में क्या किया, जो भी इक्वेशन दिया उसको हम कितने किसमें लिखा, ब्लॉक में लिखा। स्टेप टू में क्या करेंगे, जो भी हमको एलिमेंट्स दिए उसके नंबर लिखेंगे, लेकिन किसमें, रिएक्टेंस में भी अलग लिखेंगे और प्रोडक्ट में भी अलग लिखेंगे। ओके अब स्टेप थ्री, स्टेप थ्री में हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास में इक्वेशन था, मीन्स जो भी इक्वेशन था, कौन सा था, एफ ई प्लस, कौन सा इक्वेशन था, एच टू गिव्स एफ ई थ्री ओ फोर प्लस एच टू, ये इक्वेशन है। उसमें से पहले तो नंबर फाइंड करो कि एफ ई एच एंड ओ है तो उसमें से सबसे हायर नंबर किसका है, तो सबसे हायर नंबर किसका है फोर, किसका है ओ का, सबसे हायर नंबर किसका है ओ, ओ में कितना है फोर, तो यहाँ पे अगर राइट साइड पे ओ फोर है तो लेफ्ट साइड पे भी ओ को कितना बनाना पड़ेगा, फोर बनाना पड़ेगा। फिर से सेकंड सॉरी थर्ड स्टेप में क्या करना है कि जो भी हायर नंबर वाला प्रोडक्ट या तो रिएक्टेंस जो भी है उसको बैलेंस करना है। तो देखो क्या लिखा है, सिलेक्ट द कंपाउंड विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स एंड बैलेंस इट, मीन्स कंपाउंड में से मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम आप फाइंड करो और उसको बैलेंस करो। तो हमारे इक्वेशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कौन सा था, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वो भी कहाँ पे, तो प्रोडक्ट ऑक्सीजन हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम फोर, तो प्रोडक्ट में ऑक्सीजन का मैक्सिमम नंबर है वो भी कितना है फोर, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सो मेक ऑक्सीजन विच इज एट रिएक्टेंस, तो रिएक्टेंस में जो ऑक्सीजन है उसको भी क्या करना पड़ेगा, हमको फोर बनाना पड़ेगा। सो मल्टीप्लाई रिएक्टेंस कि जहां पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कहां पे है एच टू, तो उसको भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फोर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो इसके लिए एक ट्रिक भी है, तो क्या करो, एटम ऑफ ऑक्सीजन लिखो इनिशियल और बैलेंस करने का के बाद, तो रिएक्टेंस में पहले कितना था H2O, कितना था H2O में ऑक्सीजन कितना है 1, और प्रोडक्ट में कितना है Fe3O4 में 4, तो यहाँ पे 1 है यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे एटम्स कितना हो गया 4, तो यहाँ पे 1, तो इसको 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सिंपल स्टेप 1 में क्या करो, स्टेप 1 में पहले सबको ब्लॉक में डालो, स्टेप 1 में क्या करो ब्लॉक में डालो, स्टेप 3 में क्या करो, जो भी एलिमेंट्स है वो भी सभी एलिमेंट्स को लिखो और प्रोडक्ट और रिएक्टेंस, प्रोडक्ट और रिएक्टेंस दोनों में उसके नंबर कितने हैं वो बताओ, वो बता दिए। स्टेप थ्री में हम क्या करेंगे, तो स्टेप थ्री में हम करेंगे कि जो भी एलिमेंट्स है कंपाउंड में, या तो रिएक्टेंस या तो प्रोडक्ट, उन दोनों में से जो जिसमें भी हायर नंबर ऑफ एलिमेंट है वो फाइंड करो। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया जिसका नंबर था फोर, तो यहाँ पे ऑक्सीजन फोर है प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंस में भी ऑक्सीजन क्या करना पड़ेगा, फोर बनाना पड़ेगा। इसीलिए हमने क्या किया, H2O को फोर से क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एटम ऑफ ऑक्सीजन लिखा इनिशियल, तो इनिशियल H2O में कितना था, वन था, वो था रिएक्टेंस में, लेकिन प्रोडक्ट में कितना था फोर, वो भी कितना था किस में था, Fe3O4 में, तो यहाँ पे राइट साइड पे फोर है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कितना है वन, तो इस वन को क्या करेंगे फोर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वन को फोर से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, ये भी फोर और ये भी फोर, तो ऑक्सीजन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ओके अब देखो ऑक्सीजन को तो बैलेंस कर दिया, लेकिन अभी भी हमारे पास में दो एलिमेंट ऐसे जिसको हमने बैलेंस नहीं किया, वो है एच एंड एफ ई, तो अब क्या करेंगे, नाउ एच एंड एफ ई एटम्स आर स्टिल नॉट बैलेंस, अभी भी बैलेंस नहीं है, तो क्या करेंगे, पहले दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट करो, तो नाउ वी बैलेंस एच एटम, अब हम किसको बैलेंस करेंगे, एच एटम। नाउ एट रिएक्टेंस, अभी देखो इक्वेशन में देखते हैं हम कि हमारे पास में इक्वेशन स्टेप थ्री के बाद में कौन सा इक्वेशन बचा था वो लिखता हूं मैं अभी। अभी देखो H को बैलेंस करना है तो हमने क्या लिखा, एटम ऑफ ऑक्सीजन, वो भी इनिशियल बेस पे कैसा है और बैलेंस करने के बाद कैसा है, तो इनिशियल बेस पे इन रिएक्टेंस और इन प्रोडक्ट, तो इनिशियल बेस पे देखो इन रिएक्टेंस, तो रिएक्टेंस में H कितना है, यहाँ पे दो तो पहले से ही था, टू मल्टीप्लाई बाय एट, तो H2O जो था H2O में फोर से मल्टीप्लाई किया, तो H कितना हो गया हमारा एट, तो यहाँ पे देखो लिखा है H कितना एट, वो भी किसमें है फोर H2O में, H कितना है एट, और यहाँ पे प्रोडक्ट में देखो प्रोडक्ट में H कितना है दो, प्रोडक्ट में एच कितना है दो, वो भी किसमें H2 में, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे H कितना हो गया 4H2 में, H
कितना हो गया 8, और यहाँ पे प्रोडक्ट मैच कितना होगा 2। तो 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 4 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो यार, 2 को किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे भी कितना हो गया 8 और राइट साइड भी कितना हो गया 8। तो ये बैलेंस करने के लिए क्या किया हमने, प्रोडक्ट में जो एच था उसको क्या किया 4 से मल्टीप्लाई किया। तो देखो हमारे पास में था इक्वेशन फॉर एफ ई, हमारे पास में इक्वेशन था एफ ई प्लस 4H2 एफ ई 3O4 प्लस H2 था, लेकिन प्रोडक्ट में H को क्या किया 4 से मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट में H को क्या किया 4 से मल्टीप्लाई किया। तो देखो एफ ई बॉक्स में 4H2O, तो H2O बॉक्स में गिव्स एफ ई 3O4, जो जैसे था वैसे ही लिखा, लेकिन H को बैलेंस किया। तो H को बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट में जो H था उसको क्या किया 4 से हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया। ऐसे ही स्टेप 5 में सेम वे हम किसको बैलेंस करेंगे, सेम वे किसको बैलेंस करेंगे हम, बचा क्या एफ ई, तो एफ ई को बैलेंस करने के लिए अभी हमारे पास में कौन सा इक्वेशन ये है एफ ई प्लस 4H2O एफ ई 3O4 प्लस 4H2। अब बैलेंस किसको करना बाकी है, एफ ई को, तो प्रोडक्ट में एफ ई लिखो कितना है, प्रोडक्ट में एफ ई कितना है 3 और रिएक्टेंस में एफ ई कितना है 1। तो 1 को 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई। और ये जो 3 से मल्टीप्लाई है वो हम किस में करेंगे, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड मीन्स किस में करेंगे, रिएक्टेंस में। तो यहाँ पे देखो एफ ई जो था, एफ ई को हमने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई किया, बाकी का जो था वैसे का वैसे लिखा। देखो अब देखो यहाँ पे एच बी कितना होगा 8, तो यहाँ पे भी एच बी कितना होगा 8, ओ कितना है 4 × O, तो ओ बी कितना है 4, यहाँ पे ओ कितना है 4, एफ ए भी कितना है 3 और यहाँ पे एफ ए कितना है 3। तो ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब स्टेप सिक्स में क्या करेंगे, जो हमने बॉक्स जो लगाए वो बॉक्स को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, क्या करेंगे बॉक्स को रिमूव। तो 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe 3O4 प्लस 4H2। अभी देखो यहाँ पे मैंने लिखा है बैलेंस्ड इक्वेशन, क्या लिखा है हमने, बैलेंस्ड इक्वेशन। और जो स्टेप थ्री में मैंने यहाँ पे लिखा है पार्शियल बैलेंस इक्वेशन, क्या है मीन्स ये बैलेंस है लेकिन कैसा है, अकेला सिर्फ वो ही बैलेंस है, इसलिए इसको लिखा है हमने पार्शियल। और यहाँ पे क्या हो गया हमारा, यहाँ पे हमारा सब कुछ बैलेंस हो गया, इसलिए हमने इस इक्वेशन को क्या लिखा है, बैलेंस इक्वेशन। अब देखो अभी स्टेप सिक्स में क्या किया हमने, बॉक्स को रिमूव कर दिया। अभी एफ ई हमने दोनों साइड दिखा ना कि एफ ई एच और ओ दोनों साइड पे बैलेंस है, तो दोनों साइड पे बैलेंस है, तो ए वाला इक्वेशन जो है उसको हम लिखेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और ये जो हमने मेथड की वो मेथड को हम लिखेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड। ये मेथड कौन सी है, हीट एंड ट्रायल मेथड। फिर से 6 के 6 स्टेप बता देता हूँ। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या लगाया था, बॉक्स लगाया था, फर्स्ट स्टेप में क्या लगाया था बॉक्स। सेकंड स्टेप में क्या लगाया था हमने, एलिमेंट्स जो लिखा था उसके रिएक्टेंस में नंबर कितने हैं और प्रोडक्ट में नंबर कितने हैं वो लिखा था। फिर थर्ड स्टेप में हमने क्या किया था, थर्ड स्टेप में हमने जो हायर ऑर्डर वाला जो था मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन उसको हमने बैलेंस किया। उसके बाद हमने एफ ई और एच दोनों को अलग अलग फोर्थ और फिफ्थ स्टेप में बैलेंस किया। सिक्स स्टेप में क्या किया, जो हमने ब्लॉक जो लगवाए थे उसको क्या कर दिया हमने, रिमूव कर दिया। अब ये जो हम लेफ्ट साइड पे भी जो है और राइट साइड पे भी जो है मीन्स रिएक्टेंस भी जो है और प्रोडक्ट भी जो है अब बैलेंस हो गया। तो ये वाला जो इक्वेशन है उसको हम लिखेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और ये जो मेथड है हमारी बैलेंसिंग की उसको हम बोलेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड। अब सेवन स्टेप में क्या आता है कि जो भी केमिकल इक्वेशन है, जो भी हमारा केमिकल इक्वेशन है वो मीन्स हमने लिखा एफ ई, तो एफ ई किस फॉर्म में है, कि सॉलिड है, लिक्विड है, कि गैस है, या तो एक्वासिस सॉल्यूशन, एक्वासिस सॉल्यूशन मीन्स पानी वाला सॉल्यूशन। ओके तो अभी देखो ये क्या है लिखा है हमने यहाँ पे, नाउ नंबर ऑफ एटम सेम ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन इक्वल मीन्स इक्वेशन के दोनों साइड पे नंबर ऑफ एटम सेम है, तो इसको दिस इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन और दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग इज कॉल्ड हीट एंड ट्रायल मेथड। अब ये बैलेंसिंग की जो मेथड है उसको हम क्या लिखेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड। अब स्टेप सेवन, तो स्टेप सेवन में क्या है, फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस डिनोटेड बाय सिंबल्स। तो सिंबल गैस के लिए कौन सा सिंबल है, जी, लिक्विड के लिए कौन सा है, एल, और सॉलिड के लिए कौन सा है, एस, सॉलिड के लिए कौन सा है, एस, और अगर एक्वासिस सॉल्यूशन मीन पानी वाला सॉल्यूशन है तो इसको हम किस से लिखेंगे, एक्यू, क्या लिखेंगे, इक्यू। अभी देखो स्टेप सेवन में क्या लिखा है कि फिजिकल स्टेट, जो भी हमने सब्सटेंस मीन्स जो भी एटम्स लेफ्ट साइड पे है और राइट साइड पे है उसको हम लिखेंगे उसके स्टेट के, फिजिकल स्टेट के थ्रू लिखेंगे, मीन्स सॉलिड फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है, कि लिक्विड फॉर्म में है, या तो एक्वासिस सॉल्यूशन है। तो देखो एफ ई तो हमको पता है किस फॉर्म में होता है, सॉलिड, तो 3Fe के साथ में हमने क्या लिखा, एस मीन्स सॉलिड, H2O फॉर H2O,
ये किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। ये किस फॉर्म में होता है? लिक्विड। पानी किस फॉर्म में होता है? लिक्विड। Fe3O4 किस फॉर्म में होता है? सॉलिड। और H2 क्या होता है? हाइड्रोजन गैस। तो इसके लिए इसको क्या लिखा? जी लिखा। ओके, अभी देखो किसी किसी केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, वहां पे हम टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्टिक मीन्स जो ऐसा सब्सटेंस जो इक्वेशंस में पार्ट नहीं लेता लेकिन इक्वेशंस को हायर रेट पे ले जाता है, मीन्स इक्वेशन फास्ट कर देता है या तो प्रोसेस फास्ट कर देता है। तो ऐसे एक इक्वेशन है CO मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 3H2, जिसको हम अगर 340 एटमोस्फियर देंगे तो उसमें से CH3OH मिलेगा, और CH3OH होता है मिथेनॉल। क्या होता है? मिथेनॉल। वो एक तरफ से अल्कोहल ही है, जो हम पीछे पढ़ने वाले फोर्थ चैप्टर में। तो CO मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड, जी प्लस 3H2, वो भी जी, मीन्स ये दोनों गैस है, और CH3OH वो किस फॉर्म में मिलेगा आपको? सॉलिड फॉर्म में, और वो भी कितने टेम्परेचर जाएगा? कितना है? 340 एटमोस्फियर। तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 3H2 गिव्स CH3OH, जिसको बोलते हैं मिथेनॉल, और वो भी टेम्परेचर कितना? 340 एटमोस्फियर। फिर दूसरा एग्जांपल है हमारे पास, दूसरा एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड को पानी के साथ में अगर आप सनलाइट की प्रेजेंट में प्रोसेस कराओगे, किसके प्रेजेंट में? सनलाइट की प्रेजेंस में अगर आप प्रोसेस कराओगे तो उसको उसमें से आपको मिलेगा C6H12O6, जिसको बोलते हैं ग्लूकोज, जिसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। और यहाँ पे क्या मिलता है? पानी भी मिलता है। अगेन बैलेंस करो, बैलेंस कैसे करेंगे? हमने फिर से बताया था हायर नंबर किसका है उसको फाइंड करो। हायर नंबर एच का कितना है? 12। तो यहाँ पे H12 है, तो यहाँ पे भी कितना बनाना पड़ेगा? 12 बनाना पड़ेगा। तो 12 बनाने के लिए क्या करेंगे हम? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया? एच बैलेंस हो गया। अब किसकी बारी आती है? अब किसको बैलेंस करेंगे? तो देखो सी को भी कर सकते हैं या तो, और ओ को भी कर सकते हैं। तो सी को बैलेंस करते हैं, यहाँ पे सी कितना है? 6। तो यहाँ पे सी 6 है, तो यहाँ पे भी 6 बनाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई। अब देखो ओ को फाइंड करो दोनों में, तो यहाँ पे ओ कितना है? 2 × 6, मतलब यहाँ पे ओ कितना है? 12। यहाँ पे भी ओ कितना है? 6। यहाँ पे ओ कितना है? 6। और यहाँ पे कितना है ओ? 2। तो हमको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे अगर 18 है तो राइट साइड पे भी क्या करना पड़ेगा? 18 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6 तो ऑलरेडी है, तो अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, और ये ऑलरेडी 6 है। तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करने के लिए ओ को भी क्या करना पड़ेगा? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो ये इक्वेशन हमने वही लिखा है, क्या लिखा है देखो, 6CO2 प्लस 6H2O गिव्स किसकी प्रेजेंस में? तो सनलाइट की प्रेजेंस में, तो C6H12O6 प्लस 6O2। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस होता है, पानी किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है, फिर C6H12O6 ग्लूकोज जो होता है वो एक्वासिस सॉल्यूशन होता है, इसलिए इसको हमने लिखा AQ। और ऑक्सीजन जो होता है वो किस फॉर्म में होता है? जी फॉर्म में होता है। तो ये देखो यहाँ पे 1 और 2 ये दो एग्जांपल ऐसे है, यहाँ पे 340 एटमोस्फियर टेम्परेचर चाहिए और यहाँ पे सनलाइट चाहिए ही चाहिए, तभी प्रोसेस होगी। तो यहाँ पे किसी में टेम्परेचर भी होता है, किसी में प्रेशर भी होता है, और किसी में ऐसे ही कैटलिस्टिक होता है। जो किसमें लिखते हैं हम रिप्रेजेंट किसमें करते हैं? एबू और बिलो एरो। तो यहाँ पे जो एरो दिखा है तो एरो के ऊपर लिखेंगे, या तो एरो के आप नीचे भी ऐसे लिख सकते हो। ओके, अब आपकी बुक की पेज नंबर 6 में एक एक्सरसाइज दी है, तो हमें वो एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो उसमें पहला क्वेश्चन ऐसा दिया है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ में प्रोसेस करेंगे, उससे पहले मैग्नीशियम को आप क्यों क्लीन करते हो? तो उसका रीजन ये है, व्हेन मैग्नीशियम रिबन रबिंग विथ सैंड पेपर, में सैंड पेपर के साथ में जब उसको रब करेंगे तो इट विल इजीली रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो अगर आप मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर के साथ में क्लीन करते हो तो वो इजीली ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट इजी होता है, मीन्स इजीली प्रोसेस करता है। तो प्रोसेस करने के बाद क्या बनाता है? देखो Mg, तो मैग्नीशियम रिबन उसकी ऑक्सीजन के साथ में प्रोसेस, तो O2 गिव्स क्या बनाएगा? MgO। अभी देखो वैसे ही हमारा वाला फॉर्मूला हायर ऑर्डर किसका है? ऑक्सीजन का, वो भी क्या है? 2। तो पहले ऑक्सीजन 2 बनाओ, तो 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो Mg भी 2 हो गया, तो Mg को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो Mg को भी लेफ्ट से 2, तो 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। तो लिखा है यहाँ पे 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। तो क्या करेंगे हम? मैग्नीशियम रिबन को आप जब सैंड पेपर के साथ में क्लीन करोगे, या तो सैंड पेपर के साथ में जब आप रब करोगे, तो वो इजिली ऑक्सीजन के साथ में प्रोसेस होता है, मीन्स प्रोसेस करता है, और क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में, और MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड भी किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है।
अभी देखो नीचे कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिए, उसको हमको बैलेंस करना रहता है, या तो आपको नाम दिया है और आपको इक्वेशन लिखना रहेगा। तो उसमें पहला क्या दिया है आपको क्वेश्चन में, हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोराइड। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हम क्या लिखेंगे, H2। फिर क्लोराइड, क्लोराइड को क्या लिखेंगे, Cl2। तो उसमें से क्या बनाना है हमको, हाइड्रोक्लोराइड। तो हाइड्रोक्लोराइड में इसका बनेगा HCl। अब देखो H भी दो है तो पहले दो बना लो, तो एच भी दो हो गया, Cl भी दो हो गया यहाँ पे, तो राइट साइड पे भी देखो तो एच भी दो हो गया और Cl भी दो हो गया, तो H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। तो यहाँ पे लिखा है H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स 2HCl, वो भी गैस फॉर्म में। फिर दूसरा आपको एग्जांपल दिया हुआ है कि बैरियम क्लोराइड की अगर आप एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ में प्रोसेस करोगे तो बैरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड मिलता है। ये कैसे मिलता है वो भी बताओ आप। तो देखो अभी ये बैरियम क्लोराइड, तो बैरियम क्लोराइड क्या होता है, BaCl2। बैरियम क्लोराइड क्या होता है, BaCl2। फिर एल्यूमिनियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम सल्फेट क्या होता है, Al2SO4 3। अभी उसको प्रोसेस करोगे तो आपको उसमें से क्या मिलता है, बैरियम सल्फेट। क्या मिलता है, बैरियम सल्फेट। बैरियम सल्फेट में BaSO4 और उसमें से भी क्या, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड मीन्स AlCl3। अभी देखो ये 3 कब आता है, ये 2 कब आता है, ये 4 कब आता है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले हम बैलेंस कर लेते हैं। तो BaCl2, अभी देखो यहाँ पे SO4, देखो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे भी SO4 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन यहाँ पे Ba भी 3 हो गया, तो Ba 3 हो गया, तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करो। तो अभी देखो Al, यहाँ पे Cl2 है, 3 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल 6 हो गया, टोटल 6 हो गया, तो यहाँ पे भी 6 बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करो। अब देखो इक्वेशन बैलेंस हो गया, हो गया ओके। अब देखो ये Cl2 कब आता है, SO4 3 कब आता है, Al2 कब आता है, तो उसके लिए मैं छोटा सा आपको समझा देता हूँ। Cl की केमिकल मिस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं Cl में, 17 मिस 2 8 7 मिस आउटर ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो ये Cl क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और 8 बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा दूसरे के, हमको पता है क्योंकि जिसके आउटर ऑर्बिट में 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते, 5 वाला 3 लेगा, 6 वाला 2 लेगा और 7 वाला 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, और वो अपने आप में नॉन मेटल हो जाएगा। तो Cl में 17 मीन 7 है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाएगा, Cl- मीन्स ये क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, Cl- मीन्स नॉन मेटल, ये एक ही है। अभी देखो Al, एल्यूमिनियम जो होता है वो क्या होता है, 2 8 3 मीन्स एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 13, तो 2 8 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हमको पता है जिसके आउटर ऑर्बिट में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है वो दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे देता है, और वो अपने आप में किस में फॉर्म हो जाता है, एल्यूमिनियम, कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 3, तो दिया मीन्स उसको पॉजिटिव लिखेंगे, और जिसने लिया उसको हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव। तो Al क्या हो गया, 3+, और Cl क्या हो गया, माइनस। तो ये क्या बन गया आपका, नॉन मेटल, ये क्या बन गया, नॉन मेटल, और Al3+ क्या बन गया आपका, मेटल। अब देखो इन दोनों की जब आप प्रोसेस करवाओगे तो Al3+ होता है और Cl- होता है, तो ये 3 जो होता है वो उसको दे देगा और ये 1- होता है वो उसको दे देगा। फिर से Al में 3+ था तो ये 3 Cl को दे देगा, और Cl में जो 1- था वो Al को दे देगा, तो ये बन जाएगा क्या, AlCl3। मीन्स Al का जो 3 था वो Cl में चला गया, और Cl में जो 1 था माइनस वो Al में आ गया। ओके, ऐसे ही हम ले लेते हैं, देखो सल्फेट, ये एल्यूमिनियम सल्फेट का, तो ये Al2SO4 3 कैसे बना, तो हमको पता है Al में क्या होता है, Al क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 3+ बन जाता है, और सल्फेट का हमको पता है SO4 क्या होता है, 2-। अब दोनों का क्रॉस कर दो तो 3 यहां से यहां चला जाएगा और 2 यहां से यहां चला जाएगा, तो कैसे बनेगा, देखो Al, SO4 का 2 यहां पे आएगा तो Al क्या बन जाएगा, 2, और यहां पे Al का जो 3 था वो SO4 में चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, SO4 3। ओके, तो बन गया एल्यूमिनियम सल्फेट, तो Al2SO4 3। तो इसका जो प्लस होता है मिस प्लस या माइनस मिस क्रॉस में चला जाता है, यहाँ पे देखो Al का 3+ था वो SO4 में चला गया, वो भी 3 हो गया, और SO4 में जो 2- था वो Al में आ गया, तो मिस क्रॉस हो जाता है, ये 2 यहाँ पे चला जाएगा और ये 3 यहाँ पे चला जाएगा, और बनेगा कैसे, Al2SO4 3। ओके, वैसे ही देखो सोडियम क्या क्या है, Na, वाटर मीन्स क्या है, H2O, तो उसमें से क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स NaOH, और H2 मीन्स हाइड्रोजन गैस आपको लिखा है तो H2, तो सोडियम का Na लिखा, वाटर का H2 लिखा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH लिखा और हाइड्रोजन। अभी एक और एग्जांपल दे देता हूँ, NaOH कैसे बना, तो Na में देखो
एन ए, एन ए में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 11. एन ए में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 11. 11 मीन्स 2, 8, 1. तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे देगा, मीन्स क्या बन जाएगा? एन ए प्लस प्लस और बन जाएगा मेटल. वैसे ही OH में OH माइनस होता है. क्या होता है? OH माइनस मीन्स OH में एक इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, तो OH माइनस. तो Na प्लस और OH माइनस. अभी ये यहाँ पे प्लस है वो भी 1 है और माइनस है वो भी 1 है, तो Na OH. अभी OH का 1 यहाँ पे आएगा तो Na 1 ही रहेगा, और Na का 1 OH में चला जाएगा तो OH भी क्या रहेगा? 1. तो Na भी क्या हो गया यहाँ पे? Na OH. वैसे ही देखो अब बैलेंस करेंगे तो बैलेंस में क्या है, देखो Na था उसकी H2O के साथ में आप प्रोसेस करोगे तो आपको क्या मिला? NaOH प्लस H2. तो अब बैलेंस करो, बैलेंस में किसको करेंगे? यहाँ पे H 2 है, यहाँ पे H टोटल 3 है और यहाँ पे कितना है? 2 है. तो बैलेंस करो तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल H कितना हो गया? 4. तो यहाँ पे 4 करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन Na भी 2 हो गया तो Na को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 2Na सॉलिड प्लस 2H2O लिक्विड गिव्स 2NaOH एक्वासिस सॉल्यूशन प्लस H2 गैस. ओके, अभी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद फिजिकल स्टेट सिंबल फॉर फॉलोइंग रिएक्शन, मीन्स फिजिकल स्टेट के साथ में और बैलेंस करके इक्वेशन लिखो. तो उसमें पहला आपको क्या दिया गया है? सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युएबल बैरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. तो हमको क्या लेना है? पहले बैरियम क्लोराइड. तो बैरियम क्लोराइड कैसे बनेगा? फिर से बैरियम, बैरियम में फिर से क्या होता है? बैरियम 2 प्लस होता है और सीएल क्या होता है? सीएल माइनस होता है. तो इन दोनों को हम यहाँ पे 2 सीएल पे जाएगा और सीएल का जो 1 माइनस है वो बैरियम में आएगा. तो बी क्या क्या हो जाएगा? 1 ही है तो बी तो बी ए तो बी ए ही रहेगा और सीएल में यहाँ 2 प्लस सीएल में चला जाएगा तो बी ए सीएल 2 बन जाएगा. क्या बन जाएगा? बी ए सीएल 2. तो यहाँ पे बैरियम क्लोराइड क्या क्या लिखा है? बी ए सीएल 2. फिर सोडियम सल्फेट, तो देखो आप सोडियम सल्फेट का भी बता देता हूँ कैसे बनेगा. सोडियम, सोडियम में क्या होता है? एन ए प्लस और SO4 में क्या होता है? SO4 2 माइनस. तो यहाँ पे 2 माइनस हो गया वो एन ए पे चला जाएगा और यहाँ पे 1 प्लस है वो SO4 में चला जाएगा. तो एन ए और SO4 का जो 2 था वो यहाँ पे आ गया तो एन ए 2 और सल्फेट, सल्फेट पे तो Na का 1 ही जाएगा तो Na2SO4. तो ये क्या बन गया आपका? Na2SO4. वैसे ही बैरियम सल्फेट और 2NaCl भी, तो बैरियम क्लोराइड तो BaCl2 लिखा है, उसकी अगर आप सोडियम सल्फेट के साथ में मीन्स Na2SO4 के साथ में प्रोसेस करोगे तो बैरियम सल्फेट मिलेगा, BaSO4 और सोडियम क्लोराइड तो क्या लिखा है? NaCl. तो अभी बैलेंस करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे Cl2 है, Na2 है तो यहाँ पे 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे. वैसे ही सेकंड इक्वेशन हमको बताया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सॉल्यूशन है वाटर वाला, उसको अगर आप रिएक्ट करोगे किसके साथ में? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन के साथ में, तो क्या प्रोड्यूस करेगा? तो सोडियम क्लोराइड और पानी. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या लिखते हैं हम? NaOH. और उसकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में प्रोसेस तो HCl, तो वो क्या बनाएगा आपका, क्या प्रोड्यूस करेगा? तो सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड भी लिखा है और वाटर मीन्स H2. तो ये एक्वासिस सॉल्यूशन है, ये भी एक्वासिस सॉल्यूशन है, ये एक्वासिस सॉल्यूशन है और पानी हमको पता है किस फॉर्म में मिलता है? लिक्विड. फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उन दोनों की रिएक्ट मीन्स की प्रोसेस करनी थी तो ये दोनों किसमें आएंगे? रिएक्टेंट्स में. तो NaOH और HCl की प्रोसेस, उन दोनों के बीच में प्लस लिखा और गिव्स मीन्स सॉल्यूशन में क्या देते हैं वो आपको? सोडियम क्लोराइड. तो NaCl भी लिखा है और यहाँ पे पानी भी लिखा है. ओके, ये आपकी एक्सरसाइज भी खत्म हो गई. ओके, थैंक यू.